गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 15 पता ठिकाना पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बच्चों, मुझे भरोसा है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, इस एकांकी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 15 पता ठिकाना। पाठ परिचय। ईश्वर है या नहीं? है तो कहाँ है? हमें दिखता क्यों नहीं? ऐसे अनगिनत विचार हमारे मन में आते हैं। एक शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए ऐसे ही सवालों का जवाब शिक्षक ने इस पाठ में दिया है। तो बच्चों, इसमें शिक्षार्थी यानी शिक्षक क्या होता है? शिक्षा देता। और शिक्षार्थी जो शिष्य रहते हैं उन्हें हम कहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो एक शिक्षार्थी ने अपने शिक्षक से पूछा कि ईश्वर यानी भगवान है या नहीं, और यदि है तो कहाँ है, और हमें दिखाई क्यों नहीं देता। अनगिनत यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकते, इतने विचार उसके मन में आ रहे थे। तो शिक्षक इस पाठ के द्वारा बताते हैं और उसे उसके सवालों का यानी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चलिए, पाठ। शिक्षक राजेश, प्रखर और अन्य 20 शिक्षार्थी। इसमें जो है पात्र हैं वो कौन कौन हैं? शिक्षक हैं, राजेश है, प्रखर है और 20 सीखने वाले विद्यार्थी हैं। स्थान कक्षा ने आपका क्लासरूम या आपकी कक्षा। शिक्षक, आज हम बाल भगवान शीर्षक पाठ का वाचन करेंगे। लेखक का दावा है कि उसकी यह रचना एक सत्य घटना पर आधारित है। बच्चों, आज शिक्षक ने कहा कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बाल भगवान। और उसमें यह बताया गया है, लेखक ने यह बताया है कि यह एक सत्य घटना पर आधारित है। राजेश, हाथ उठाकर, गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी एक शिक्षार्थी ने हाथ उठाया और क्या कहा? गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिक्षक ने क्या कहा? हाँ पूछो। राजेश, भगवान से जुड़ी कोई घटना घट ही नहीं सकती। कल एक मुनिराज ने अपने प्रवचन में बताया था कि ईश्वर है ही नहीं, जो है ही नहीं उससे जुड़ी कोई सच्ची घटना घट कैसे सकती है। राजेश ने कहा कि मैंने एक मुनि प्रवचन दे रहे थे, वहाँ सुना कि वे कह रहे थे कि ईश्वर है ही नहीं, तो आप मुझे बताइए कि जब ईश्वर है ही नहीं तो उससे जुड़ी कोई सच्ची घटना कैसे घट सकती है। ये राजेश का अपने गुरुजी से प्रश्न था। शिक्षक, कक्षा में कोई और भी है जो यह मानता है कि ईश्वर नहीं है? अब शिक्षक ने प्रश्न किया कि इस कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है? प्रखर, हाथ ऊपर उठाकर। जैसे बच्चों हम प्रश्न पूछते हैं तब आप हाथ ऊपर उठाकर बोलते हो ना, उसी प्रकार प्रखर ने भी अपना हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। प्रखर ने हाथ ऊपर किया और शिक्षक से प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ है, वे हमें कैसे मिल सकते हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं। शिक्षक, तो फिर आज हम पाठ का वाचन ना करके राजेश और प्रखर को कुछ समझाएंगे। शिक्षक ने कहा कि आज हम पाठ का वाचन नहीं करेंगे और राजेश और प्रखर को समझाएंगे। राजेश को उठने का संकेत करते हैं। उठने का संकेत यानी इशारा करते हैं। राजेश, कैंटीन तक जाओ, वहाँ से एक गिलास में दूध और चीनी लेकर आओ।
चीनी दूध में मिलाकर मत लाना, अलग से लाना। शिक्षक ने राजेश से कहा कि तुम कैंटीन पर जाओ, वहाँ पर क्या है, एक गिलास लेना, उसमें क्या लेना, दूध लेना और चीनी, चीनी यानी शक्कर, दोनों को लेकर आओ, परंतु उन दोनों को आपस में मिलाना नहीं, अलग अलग ही लाना है आपको। राजेश, जी गुरुजी, मैं यूं गया और यूं आया। राजेश ने कहा, जी गुरुजी, मैं जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। राजेश का कक्षा से गमन, गमन याने जाना, राजेश कक्षा से गया। शिक्षक, आज हम प्रखर को दूध पिलाकर उसे थोड़ा बलवान भी बनाएंगे। दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया और चम्मच लिए राजेश का आगमन। अब शिक्षक ने कहा कि आज हम प्रखर को दूध पिलाकर थोड़ा बलवान, बलवान यानी ताकतवर बनाएंगे। तभी दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया और चम्मच लिए राजेश का आगमन। आगमन यानी राजेश आता है कक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। राजेश, लीजिए गुरुजी, दूध और चीनी ही नहीं, चम्मच भी हाजिर है। उसने कहा, मैंने दूध भी, चीनी यानी शक्कर और चम्मच भी हाजिर, हाजिर यानी उपस्थित है आपके सामने, दूध, चीनी और शक्कर। शिक्षक, शाबाश राजेश, तुमने बुद्धिमानी का परिचय दिया, चम्मच भी लेते आए। शिक्षक ने उसे शाबाशी दी। जैसे आप कभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हम आपको कहते हैं ना, शाबाश, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार शिक्षक ने भी राजेश से कहा कि शाबाश राजेश, तुमने बुद्धिमानी, बुद्धिमानी यानी होशियारी का परिचय दिया है। अब दूध में चीनी डालो, चम्मच से घोलो और प्रखर को पीने के लिए दे दो। अब शिक्षक ने उसे आदेश दिया कि तुम दूध में क्या डालो, शक्कर डालो और चम्मच से उसे घोलो और किसे पीने के लिए दो, प्रखर को पीने के लिए दे दो। राजेश ने दूध में चीनी डालकर चम्मच से घोला और गिलास प्रखर को थमा दिया, थमा दिया यानी दे दिया, प्रखर को वह गिलास दे दिया। शिक्षक, प्रखर, हम सब तुम्हें दूध पीते हुए देखना चाहते हैं, पर पहले केवल दो घूंट। शिक्षक ने कहा कि हम सब तुम्हें दूध पीते हुए देखना चाहते हैं, परंतु पहले तुम केवल कितना दूध पियोगे, दो घूंट। प्रखर, जो आज्ञा गुरुजी, कहते हुए प्रखर दो घूंट दूध पी जाता है। और प्रखर ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, और उसने कहा और कितने घूंट दूध पिया, दो घूंट। शिक्षक ने उससे प्रश्न किया कि प्रखर, तुम्हें दूध कैसा लगा। प्रखर, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, मीठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी मुझे दूध मीठा लगा। शिक्षक, इसमें चीनी कहाँ है। शिक्षक ने कहा कि इसमें चीनी कहाँ है। प्रखर झेपते हुए, चीनी तो भूल गई, अब वह सारे दूध में है। प्रखर ने कहा कि गुरुजी, चीनी तो इसमें भूल गई और सारे यानी पूरे दूध में ही चीनी है। शिक्षक, यही है तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। जिस तरह दूध के कण कण में चीनी है, उसी तरह संसार के कण कण में ईश्वर है। इस प्रयोग के द्वारा शिक्षक ने बताया कि देखो बच्चों, जिस प्रकार दूध में चीनी मिल गई है, प्रत्येक कण मिल गया है, उसी प्रकार इस संसार, संसार यानी जगत में हर एक कण में ईश्वर यानी भगवान है। प्रखर, वह मिलता कैसे। अब प्रखर ने दूसरा प्रश्न किया कि वह हमें मिलेगा कैसे। शिक्षक, वह भी बताता हूँ। राजेश, तुम्हें फिर कैंटीन तक जाना होगा। शिक्षक ने कहा कि वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम फिर से कैंटीन तक जाओ। राजेश, जो आज्ञा गुरुजी, अब की बार क्या लाना होगा। अब उसने प्रश्न किया कि इस बार मैं क्या लेकर आऊँ। शिक्षक, इस बार एक बड़े से कटोरे में आधा कटोरे के करीब दही लाना होगा। शिक्षक ने कहा, इस बार तुम्हें एक बड़ा कटोरा लाना है और
उसके अंदर आधा कटोरा क्या लाना है, दही लाना है। राजेश, ठीक है गुरुजी, मैं यूं गया और यूं आया। राजेश ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाता हूँ और अभी वापस आता हूँ। शिक्षक कक्षा से बाहर जाते हुए राजेश से, और हाँ साथ में मथानी भी लेते आना। शिक्षक ने कहा कि साथ में क्या लेकर आना, मथानी। मथानी बच्चों आप समझते हो, जिसके की द्वारा हम दही को बिलोते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मथानी। ये एक प्रकार का लकड़ी का उपकरण होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रखर, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे दूध के ऊपर दही तो नहीं पीना होगा ना। अब प्रखर ने सोचा, अभी शिक्षक ने मुझे दूध पिला दिया, तो उसने कहा कि क्षमा करें गुरुदेव, माफ करें गुरुदेव, मुझे दूध के ऊपर दही तो नहीं पीना पड़ेगा। शिक्षक, अरे नहीं, दही तो तुम्हें ईश्वर का पता ठिकाने बताने के लिए मंगवाया है। दही से अध भरा कटोरा और मथानी लिए राजेश का कक्षा कक्ष में आगमन। अब राजेश ने अध भरा यानी आधा भरा हुआ कटोरा और मथानी लेकर कक्षा में राजेश का आगमन यानी राजेश आता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक, लो दही भी आ गया। दही से आधा भरा कटोरा हाथ में लेकर प्रखर, तुम भी इधर आओ और इस दही को देखकर बताओ कि क्या इसमें मक्खन है। अब शिक्षक ने क्या कहा कि दही आ गया है और किसे बुलाया, प्रखर, और क्या कहा कि अब इस दही को तुम देखो और मुझे ये बताओ कि इस दही में क्या मक्खन है। प्रखर हंसते हुए, निश्चित रूप से है। प्रखर ने हंसते हुए क्या जवाब दिया कि जरूर है। राजेश हैरानी जाता था, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। राजेश ने तुरंत कहाँ है, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। प्रखर, अरे बुद्धू, दही बिलोने से निकलेगा ऐसे दिखाई नहीं देगा। और उसने क्या कहा कि जब हम दही को बिलोएंगे मथेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा, मक्खन। शिक्षक, तुमने बिल्कुल सही कहा प्रखर, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। जैसे मथानी से बिलोने पर मक्खन मिलता है, वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। शिक्षक ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रखर, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी यही है, जवाब यानी उत्तर यही है। जिस प्रकार मथानी से दही को बिलोते हैं, आपने देखा होगा कि मम्मी घर में जब दही को बिलोती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, मक्खन आ जाता है। वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने से ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। उसी प्रकार यदि हम भक्ति और भरोसा रखें ईश्वर के ऊपर तो हमें ईश्वर अवश्य मिल जाएंगे। राजेश, गुरुजी, इस प्रखर ने तो मुझे अभी अभी बुद्धू कहा था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं इससे अधिक बुद्धिमान हूँ। अब राजेश कहता है कि अभी अभी मुझे प्रखर ने क्या कहा था, बुद्धू, बुद्धू यानी मूर्ख, और यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो मैं अभी सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं इससे अधिक बुद्धिमान यानी होशियार हूँ। शिक्षक, सो कैसे भला। शिक्षक ने कहा कि कैसे बताओगे। राजेश, इसके तीसरे सवाल का जवाब देकर। राजेश ने कहा कि मैं इसके तीसरे वाले सवाल का जवाब दूंगा। शिक्षक, अरे वाह, किंतु ईश्वर के अस्तित्व पर शंका की शुरुआत तो तुम्ही ने की थी। शिक्षक ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। राजेश, सो तो है गुरुजी, पर मैंने तो यह कहा था कि मुझे एक मुनिराज ने कहा है। उसने कहा, यह बात तो है गुरुजी, परंतु मैंने तो केवल किसके मुख से सुना था, मुनिराज के मुंह से सुना था। शिक्षक, यदि ऐसा है तो फिर प्रखर को बताओ कि ईश्वर क्या करता है। शिक्षक ने कहा कि अब तुम प्रखर को बताओ कि ईश्वर क्या करता है। राजेश, इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है,
आप मुझे गुरु माने तो मैं उत्तर दूं। अब राजेश ने कहा कि इसका उत्तर तो केवल गुरुजी दे सकते हैं, शिक्षक ही दे सकते हैं, और यदि आप मुझे अपना गुरु मान लें तो मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। शिक्षक, ठीक है, उस समय के लिए आप मेरे गुरु हुए। शिक्षक ने कहा कि ठीक है राजेश, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। राजेश, गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है, इसलिए कृपा करके आप मेरी जगह आ जाएं और मुझे उस ऊंचे आसन पर बैठने दें। अब राजेश ने कहा कि गुरु का स्थान सदैव क्या होता है, ऊंचा होता है, इसलिए आप कहाँ बैठे, जहाँ मैं बैठा हूँ, और मुझे ऊंचे स्थान पर बैठने की आज्ञा दें। शिक्षक, यह भी सही, तो आप इधर पधारो और मैं उधर आता हूँ। शिक्षक ने कहा ठीक है, आप मेरी जगह पर बैठ जाओ और मैं आपकी जगह पर बैठ जाता हूँ। दोनों के स्थान की अदला बदली होते हैं, अब उत्तर देने में देरी ना करो। जैसे ही दोनों अपना स्थान बदलते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अब उत्तर जल्दी से दो, देर मत लगाओ। राजेश मुस्कुराते हुए, प्रखर के तीसरे सवाल का हल तो आप साक्षात देख ही रहे हैं, इतना ही नहीं गुरुजी, वहां बैठकर तो आप उसकी करनी भोग भी रहे हैं। ईश्वर यही तो करता है, किसी को भी कभी भी कुछ से कुछ बना देता है। प्रखर ने कहा कि ये तीसरे सवाल का उत्तर आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां बैठकर आप अपनी करनी भी भोग रहे हैं। उसने कहा कि आप वहां बैठे हैं और मैं आपके स्थान पर बैठा हूं, तो ये कौन करता है ये सब, ईश्वर तो ही करता है कि किसी को कभी भी कुछ भी बना देता है। शिक्षक, सो तो है, तो प्रखर तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल गया ना। शिक्षक ने कहा सो तो है, तो प्रखर तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया ना। शिक्षक ने कहा कि प्रखर अब तुम्हें तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब यानी उत्तर मिल गया है ना। प्रखर, हाँ गुरुजी, मेरे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। प्रखर ने क्या कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। राजेश के करीब पहुंचकर, करीब यानी पास पहुंचकर, राजेश भाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरा तो केवल नाम प्रखर है, तुम तो सचमुच प्रखर हो। वह उसके पास जाता है और कहता है, राजेश भाई मुझे क्षमा कर देना यानी माफ कर देना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और उसने कहा कि मेरा तो केवल नाम प्रखर है, उसका नाम प्रखर था, परंतु तुम सचमुच प्रखर हो, प्रखर यानी बुद्धिमान हो। पूरी कक्षा ने तालियां बजाकर राजेश को शाबाशी दी। जब कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो सब बच्चे क्या बजाते हैं, तालियां। तो सब बच्चों ने तालियां बजाई और उसे शाबाशी दी। राजेश, तालियों की गड़गड़ाहट थमने पर, प्रखर भाई, तुम्हारे चक्कर में आज एक अपराध मुझसे भी हुआ है। उसने कहा कि प्रखर भाई, आज मुझसे एक अपराध हो गया है, अब मैं उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। अब मैं उसका क्या करने जा रहा हूँ, प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। राजेश प्रखर को साथ लेकर गुरुजी के करीब आया और वह करीब यानी गुरुजी के पास आए। दोनों ने गुरु को प्रणाम किया, प्रणाम किया यानी नमस्कार किया, उन्हें उनके आसन तक पहुंचाया, उनके आसन पर, आसन यानी बैठने का स्थान। दोनों गुरुजी के विराजमान होने तक नतमस्तक होकर खड़े रहे, नतमस्तक होकर यानी सिर झुकाकर खड़े रहे। पूरी कक्षा तालियां बजाकर उन्हें अपना समर्थन देती रही, और पूरी कक्षा ने ताली बजाकर उन्हें अपना समर्थन दिया। बच्चों, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एकांकी, जिसमें उदाहरणों के द्वारा शिक्षक ने बताया कि ईश्वर
संसार के कण कण में रहता है। आपने देखा ना किस प्रकार बताया उन्होंने, दूध में चीनी को घोलकर, और उन्होंने उसके अस्तित्व में और वह कैसे रहता है, कहाँ रहता है, क्या क्या कर सकते हैं ईश्वर, इसके द्वारा इसको भी बताने के लिए उन्होंने दो उदाहरण और भी दिए थे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको विश्वास हो गया कि ईश्वर संसार के कण कण में रहते हैं। चलिए बच्चों अब हम इस पाठ के शब्दार्थ सीखेंगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ याने शब्दों के अर्थ। बलवान, बलवान याने ताकतवर, बलवान ताकतवर। आगमन, आना लौटना, आगमन आना लौटना। निश्चित, निश्चित यानी अवश्य। अस्तित्व, वजूद। आसन, आसन यानी बैठने का स्थान। साक्षात, साक्षात यानी प्रत्यक्ष, जिसे देखा जा सके। साक्षात यानी प्रत्यक्ष, जिसे देखा जा सके। प्रायश्चित, पछतावा। प्रायश्चित यानी पछतावा। विराजमान, बैठना। विराजमान, बैठना। हाजिर, उपस्थित, मौजूद। हाजिर, उपस्थित, मौजूद। मथानी, दही घोलने का लकड़ी का उपकरण। मथानी, दही घोलने का लकड़ी का उपकरण। बिलोना, बिलोना यानी मिलाना, घोलना। शंका, संदेह, शक। शंका यानी संदेह, शक। पधारो, पधारो यानी बैठो। प्रखर, तेज, बुद्धिमान। प्रखर यानी तेज, बुद्धिमान। प्रणाम, हाथ जोड़ना, नमस्ते। प्रणाम, हाथ जोड़ना, नमस्ते। नतमस्तक, नतमस्तक यानी सिर झुकाना। तो बच्चों ये इस पाठ के क्या थे, शब्दार्थ। चलिए अगला देखते हैं, पाठ 15, पता ठिकाना। मौखिक प्रश्न उत्तर दीजिए। का, कक्षा में किस पाठ का वाचन होना था। कक्षा में किस पाठ का वाचन होना था। उत्तर है, कक्षा में बाल भगवान पाठ का वाचन होना था। कक्षा में बाल भगवान पाठ का वाचन होना था। खा, शिक्षक ने पूरी कक्षा से क्या पूछा। यह हमारा प्रश्न है। उत्तर है हमारा, शिक्षक ने पूरी कक्षा से पूछा कि और भी है कोई जो यह मानता है कि ईश्वर नहीं है। शिक्षक ने पूरी कक्षा से पूछा कि और भी है कोई जो यह मानता है कि ईश्वर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक किन्हें समझाना चाहते थे। शिक्षक किन्हें समझाना चाहते थे बच्चों। उत्तर है, शिक्षक राजेश और प्रखर को समझाना चाहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने दूध और चीनी का क्या किया। शिक्षक ने दूध और चीनी का क्या किया। बच्चों हमने देखा ना पाठ में, शिक्षक ने दूध और चीनी को मिलाकर प्रखर को वह दूध पीने के लिए दिया। शिक्षक ने दूध और चीनी को मिलाकर प्रखर को वह दूध पीने के लिए दिया। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने प्रखर को पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया। शिक्षक ने प्रखर को पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया। उत्तर है हमारा, शिक्षक ने बताया कि जिस प्रकार दूध में चीनी मिलाने पर वह उसके कण कण में समा जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस जगत के कण कण में है। शिक्षक ने बताया कि जिस प्रकार दूध में चीनी मिलाने पर वह उसके कण कण में समा जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस जगत के कण कण में है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा लिखित प्रश्न। नंबर एक, पाठ के अनुसार बताइए किसने कहा। हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा, किसने कहा हमें बताना है। पहला है हमारा, मैं यूं गया और यूं आया। मैं
यूं गया और यूं आया। किसने कहा था बच्चों? राजेश ने। किसने कहा था? राजेश ने। अगला है, हम सब तुम्हें यह दूध पीते हुए देखना चाहते हैं। किसने कहा था बच्चों? शिक्षक ने। किसने कहा था? शिक्षक ने। आप मुझे गुरु माने तो मैं उत्तर दूं। ये वाक्य किसने कहा था? राजेश ने। किसने कहा था बच्चों? राजेश ने। ठीक है, उस समय के लिए आप मेरे गुरु हुए। ठीक है, उस समय के लिए आप मेरे गुरु हुए। किसने कहा था बच्चों? शिक्षक ने। किसने कहा था? शिक्षक ने। मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। किसने कहा था बच्चों? प्रखर ने। किसने कहा था? प्रखर ने। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर लिखिए। क, मुनिराज ने अपने प्रवचन में क्या कहा था? मुनिराज ने अपने प्रवचन में क्या कहा था? ये हमारा प्रश्न है, उत्तर है। मुनिराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि ईश्वर है ही नहीं। उत्तर है हमारा, मुनिराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि ईश्वर है ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रखर क्या क्या जानना चाहता था? प्रखर क्या क्या जानना चाहता था? उत्तर है हमारा, प्रखर जानना चाहता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। प्रखर जानना चाहता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक ने दही का उदाहरण देकर क्या समझाया? शिक्षक ने दही का उदाहरण देकर क्या समझाया? उत्तर है, शिक्षक ने दही का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार मथानी से दही को बिलोने पर मक्खन मिलता है, उसी प्रकार भक्ति व भरोसे से मन को मतने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। शिक्षक ने उदाहरण देकर क्या समझाया? तो उत्तर आएगा आपका, शिक्षक ने दही का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार मथानी से दही को बिलोने पर मक्खन मिलता है, उसी प्रकार भक्ति व भरोसे से मन को मतने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न का जवाब किसने दिया और क्यों? उत्तर है हमारा, तीसरे प्रश्न का जवाब राजेश ने दिया था क्योंकि वह प्रखर को बताना चाहता था कि ईश्वर जो चाहता है वह कर सकता है, किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। उत्तर है हमारा, तीसरे प्रश्न का जवाब राजेश ने दिया था क्योंकि वह प्रखर को बताना चाहता था कि ईश्वर जो चाहता है वह कर सकता है, किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा बोध। नंबर एक, रंगीन शब्दों के विलोम रूप से खाली स्थान को भरिए। नंबर एक, रंगीन शब्दों के विलोम रूप से खाली स्थानों को भरिए। रंगीन शब्दों के विलोम रूप से खाली स्थानों को भरिए। पहला है, यह एक असत्य घटना पर नहीं बल्कि डैश घटना पर आधारित है। अब यहाँ हमने भरा सत्य। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, यह एक असत्य घटना पर नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। अगला है, मैं यूं गया और यूं आया। गया का विलोम आया। चलिए आगे का देखते हैं, मेरे पास तुम्हारे प्रश्न। अब प्रश्न का विलोम क्या होता है वह हम यहाँ पर भरेंगे। मैं, मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का
उत्तर नहीं है। प्रश्न का विलोम उत्तर, तुम्हारा व्यवहार उचित। उचित का विलोम क्या होता है बच्चों? उन उचित का विलोम क्या होता है बच्चों? अनुचित। तो हम इस खाली स्थान में अनुचित भरेंगे और इस वाक्य को पढ़ेंगे। तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं, अनुचित है। अगला देखते हैं, वह अज्ञानी। अज्ञानी का विलोम ज्ञानी। चलिए अब हम ज्ञानी शब्द भरकर इस वाक्य को पढ़ेंगे। वह अज्ञानी था पर अब ज्ञानी हो गया। वह अज्ञानी था पर अब ज्ञानी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो हमें यहाँ बदल कर लिखना है बच्चों। चलिए देखते हैं, पहला क्या है? भाई। भाई का बहन। भाई का बहन। शिष्य। शिष्य का शिष्या। शिष्य का शिष्या। चूहा। चूहिया। चूहा चूहिया। पुत्र। पुत्री। पुत्र का पुत्री। पुरुष। स्त्री। पुरुष स्त्री। मेरे पीछे दोहराइए, माली। मालिन। माली मालिन। शिक्षक। शिक्षिका। शिक्षक शिक्षिका। बालक बालिका। बालक बालिका। तो बच्चों ये हमने क्या लिखे हैं? पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप। चलिए आगे देखते हैं क्या है नंबर 3, दिए गए शब्दों को रा का सही रूप लगाकर लिखिए। दिए गए शब्दों को रा का सही रूप लगाकर लिखिए। यहाँ पर हमें रा का सही रूप लगाकर लिखना है। पहला है हमारा सी धन र धन श धन का। अब इन सबको मिलाकर क्या बना? शीर्षक। क्या शब्द बना बच्चों? शीर्षक। ट धन र धन क। इन्हें मिलाकर क्या बना? ट्रक। क्या बना बच्चों? ट्रक। प्र धन र धन ख धन रा। इन्हें मिलाकर क्या बना? प्रखर। क्या शब्द बना बच्चों? प्रखर। आ धन छ धन र। क्या शब्द बना बच्चों? अक्षर। क्या बना बच्चों? अक्षर। तो हमने यहाँ रा का सही रूप लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, समझिए और कीजिए। समझिए और कीजिए। अब पहला है हमारा बल धनवान। बल धनवान क्या बनेगा? बलवान। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बलवान। बुद्धि धन मान। अब इन दोनों को जोड़कर देखेंगे क्या बनेगा? बुद्धिमान। क्या बनेगा बच्चों? बुद्धिमान। हानि धन कारक। हानि धन कारक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हानिकारक। क्या बनेगा बच्चों? हानिकारक। लाभ धन दायक। अब इनको हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? लाभदायक। आराम धन दायक। इन्हें जोड़कर देखेंगे क्या बनेगा? आरामदायक। आरामदायक। महत्व धन पूर्ण। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? महत्वपूर्ण। क्या बनेगा बच्चों? महत्वपूर्ण। चलिए अगला देखते हैं, अगला है गृहकार्य। बच्चों अब आपकी बारी, गृहकार्य। पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है।
नंबर दो, प्रश्नों के उत्तर याद करो और लिखो। आपको प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पाठ में आए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द बनाइए। बच्चों, आपको पाठ में आए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द बनाकर लिखना है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने पाठ 15 पता ठिकाना पाठ को पढ़ा, समझा और सीखा। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि बच्चों ने गुरुजी से प्रश्न किया कि भगवान होते हैं या नहीं। गुरुजी ने उन्हें विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया। इसके पश्चात हमने शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, खालिस्तान को विलोम शब्द के रूप में लिखकर भरना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, राग का सही रूप लिखकर शब्द लिखना और दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना सीखा और समझा। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।